जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकवादियों ने एक के बाद एक काराना हरकतें करते हुए कई सारे लोगों को टारगेट किया है। इन टारगेटेड किलिंग्स में मैं पिछले कुछ दिनों की आपको बात बताऊं, कुल मिला के 21 ऐसे लोग हैं जो मारे जा चुके हैं, मजदूर भी जो बाहर से आते हैं और बाकी कश्मीर के कुछ लोग भी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 3 मजदूरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिनमें से 2 मजदूर राजा कृषि देव और योगेंद्र ऋषि देव मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक और मजदूर की हालत गंभीर है। जिन मजदूरों की हत्या की गई, इनके घर में मातम पसरा हुआ है। राजनीति से अलग पहले वो व्यक्ति जो सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर कश्मीर में इसलिए पहुंचा था क्योंकि वहां पर उसे लगा कि वो अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेगा, उसके परिवार की हालत क्या है पहले आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान के द्वारा सुनियोजित ढंग से वहाँ पर जो आतंकी हमला होता है सब जान रहा है, इसमें कोई थोड़े कहने का बात है कि नहीं हो रहा। इस समय अभी तुरंत मोदी सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान पर में जो है उसको रद्द करे और अविलंब उस पर पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। जिस तरह से पुलवामा का बदला लिया गया, इस तरह से बिहार का जो है कि मजदूर को मारा जा रहा है, तो उसका बदला तुरंत सरकार को लेना चाहिए। ये प्रतिशोध की आवाज है, ये आवाज गुस्से की है, यह आवाज गम की है, यह आवाज है एक पिता की जिसके बेटे के सीने में गोली उतारकर आतंकियों ने उसकी सांसें थाम ली। कोई गोलगप्पा बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था, कोई चाट की दुकान लगाता था, कोई मजदूरी करता था। अब मजदूरों के घर मातम पसरा है, माँ बेहोश पड़ी है, पिता के आंसू सूख नहीं रहे हैं, मोहल्ला में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक मजदूर के दरवाजे पर पूरे गांव के लोग उमड़ गए। अपने परिवार के 15 लोगों की जिम्मेदारी और उज्जवल भविष्य की उम्मीद लिए अरविंद बांका से कश्मीर चला गया था। बड़े भाई को पहले ही कोरोना लील चुका है, गम में डूबे परिवार की जिंदगी अभी सही से पटरी पर लौटी भी नहीं थी कि अरविंद की मौत ने परिवार को तबाह कर दिया। श्रीनगर कश्मीर में रहता है, बेचता उन्हीं का बदौले खाते पीते हैं और हम लोग कुछ नहीं है, क्या खाएंगे वो भी कहना मुश्किल है। कुछ भी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और भी कोई काम मिलना चाहिए, हम लोग मजदूर है सर। त्रासदी की ये स्याह तस्वीर बिल्कुल तोड़ देने वाली है। मेहनत और मजदूरी करने वाले गरीब लोग कश्मीर गए तो थे तकदीर बदलने, लेकिन अब उनके परिवार के हिस्से जीवन भर का गम आया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नूरबाज चौक पे रहते था, उसमें कल चौक पे उधर सगड़ा पर जब वहाँ आतंकवादी ने मार के गिरा दिया उसको। इसी कारण से आतंकवादी को कश्मीर से मार के गिराना है, उसको भगाना है, पाकिस्तान को ये हुआ उड़ा देना है। अच्छा, उसके बाद उसी के दौलत पे मेरा घर चलता था, टोकरी में गोलगप्पे बेचता था काउंटर पे वहाँ बुलबुल के। अब बांका से अररिया चलते हैं, यहाँ भी मातम पसरा हुआ है। मृतक मजदूरों के घर चूल्हे भी नहीं जले। योगेंद्र की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। योगेंद्र को पिछले कुछ दिनों से पैसे भी नहीं मिल रहे थे, परिवार को इस बात की खबर थी, कुछ आगे के लिए सोचते उससे पहले ही आतंकियों ने योगेंद्र की जान ले ली। 6 बजे फोन कर लगे तो कहिए बात कराओ, तो कहे कि नहीं है फिर वह बात करे ता मना वकर भाई फोन कर लगे तो कहे नहीं है मार दल। कौन मारा? अब क्या मार लगे वो ना। ये सिर्फ मातम नहीं है, सवाल भी है। मजदूरों की हत्या के पीछे का मकसद कश्मीर में 1990 की त्रासदी को दोहराना है, लेकिन ये बदला हुआ भारत है और बदली हुई भारत की तस्वीर में आतंक और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं। आतंक के पैरोकार को आने वाले दिनों में यह बहुत भारी पड़ने वाला है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नभार। तो यह आपने देखा कि किस तरीके से वो लोग जो बेचारे इस उम्मीद पे, क्योंकि सरकार से सवाल इस पे बनता ही बनता है कि कश्मीर को लेकर आपका प्लान क्या है, आपने ही लोगों को बताया था कि वहाँ पे सुरक्षित हैं और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे और उनकी इस तरीके से हत्या हो जाती है। उन आतंकवादियों से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला ज़रूर लेना है, लेकिन सरकार को भी अपने इंतजामों के सीधे सीधे
जवाब जनता के सामने रखने होंगे कि सरकार इस पर कर क्या रही है। कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, मजदूर मारे जा चुके हैं, हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इन सब का जो पूरा पूरा सवाल है वो सरकार को इस बात को देना ही पड़ेगा कि वो अब इसके लिए कर क्या रही है। ईशान मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। ईशान, ये डर का जो माहौल बनाने की कोशिश है, क्या अभी वहां पर हो रहा है, क्या टैक्टिक्स कुछ बदले जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि बिल्कुल 1990 की याद दिला देता है। जी देखिए, जैसे लगातार हमले हुए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। हालांकि दिल्ली से भी कुछ ऐसी टीमें आई थी जिन्होंने यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग की और एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के भीतर, दो दिन पहले कल और उससे एक दिन पहले, 4 लोगों की फिर से हत्या हो गई, जिसमें 3 बिहार से हैं और 1 उत्तर प्रदेश से है। तो उसके बावजूद भी जब सरकार ये कह रही है कि उनको वो जो है इन लोगों को सेफ एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, तब से ऑपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टी सरकार से यही सवाल पूछ रही है कि अगर 370 हटने के बाद और 35 के हटने के बाद अगर सरकार ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं तो कहां बदले हैं, क्योंकि ये लगातार हमले चिंता का विषय बने हुए हैं सरकार के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। ये सिर्फ कुलगाम या पुलवामा तक सीमित नहीं है। पहले श्रीनगर जो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा कहा जाता था कि जो पीसफुल एरिया है, जहां पर ज्यादा मिलिटेंसी की गतिविधि नहीं थी, वहां पर भी 4 लोगों को एक्चुअली निशाना बनाया गया, चाहे वो बिंद्रू हो या कल जो ये गोलगप्पा बेचने वाला जो कि ईदगाह इलाके में जिसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं काफी सारे फियर भी है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमने आज काफी सारे लोगों से पहले बात की जो कश्मीर घाटी छोड़कर जा रहे हैं, जो ये मजदूर आते हैं। हालांकि एस्टिमेट है कि 2-3 लाख के करीब मजदूर हर साल जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं। तो उनके लिए एक कश्मीर में एक रोजगार का जरिया बन जाता है और विंटर के आते ही वो निकल जाते हैं। बट इस बार जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से डर का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आने समय से पहले ही कश्मीर से वापस चले जाएंगे। ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, इससे ज्यादा कायराना हरकत और कुछ हो नहीं सकती है कि कोई गरीब आदमी वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया है, उसको आप इस तरीके से उस पर हमला करके उसको मार दें। लेकिन बड़ी बात यही है, जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी और सरकार की बनती है और उसको अब सबकी नजर इसी बात पर होंगी कि अब क्या एक्शन लिया जाता है कि घाटी को दोबारा 1990 वाले दशक में ना धकेलने दिया जाए।